नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि नाभि पर तिलक लगाकर किस प्रकार से होता है वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं, पर ध्यान रहे माताएं बहनें कठिन दिनों में इस विधि को ना करें और मांस मदिरा का सेवन करके आपको इस विधि को नहीं करना है, इन बातों का ख्याल रखें। मित्रों, आज की इस विधि में हम जानेंगे कि नाभि चक्र से किस प्रकार से वशीकरण हम कर सकते हैं अपने शरीर के नाभि चक्र से। मित्रों, नाभि चक्र का आयुर्वेद में बहुत ही प्रखर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से और वर्णन किया गया है कि यह शरीर को किस प्रकार से संतुलित रखने में मदद करता है। नाभि चक्र का शरीर पर बहुत ही ताकतवर प्रभाव पड़ता है और अगर किसी की नाभि खिसक जाए या फिर कोई नाभि चक्र पर दिक्कत हो जाए तो पूरे शरीर को उससे हानि पहुंचती है, पीड़ा पहुंचती है। तो नाभि चक्र का हमारे शरीर में बहुत महत्व होता है। उसी नाभि चक्र का इस्तेमाल करके, अपने शरीर के अंग का इस्तेमाल करके अपन किस प्रकार से प्रचंड वशीकरण करते हैं, ये आज इस विधि में आपको बताया जाएगा। ये उपाय बहुत ही ताकतवर उपाय है, स्वयं के ऊपर करना है, किसी और के ऊपर नहीं करना। ऐसी विधियां बहुत ताकतवर होती हैं और सरल होती हैं क्योंकि इसमें आपको सामने वाले का कोई भी आइडेंटिटी नहीं चाहिए, उसका कोई भी वस्तु नहीं चाहिए। आपको सिर्फ अपने शरीर से यह वशीकरण करना है, जीवन में कभी कुछ नहीं करना पड़ेगा। जिस प्रकार से बताया है उस प्रकार से कर लीजिए, गारंटी है हमारी वशीकरण होकर रहेगा, पूरी तरीके से आपको रिजल्ट मिलेगा। जिस प्रकार से आप रोते हो सामने वाले के लिए उसी प्रकार से वो रोने लगेगा, जिस प्रकार से आप तड़पते हो उसके लिए उसी प्रकार से वो आपके लिए तड़पने लगेगा। बस आपको जैसा हमने बताया है वैसा करें। सामग्री के रूप में आपको जो रोली होती है, उसको भारत के कई हिस्सों में कुमकुम भी बोला जाता है, कुमकुम को आपको पानी में मिला लेना है और फिर इसे इस विधि में यूज में लेना है। बस और कोई आपको सामग्री नहीं लेनी, सामने वाले का फोटो भी नहीं लेना, किसी भी प्रकार की सामग्री आपको नहीं लेनी, सिर्फ पानी में घुली हुई कुमकुम आपको इसमें इस्तेमाल करनी है। विधि का समय रहेगा किसी भी वार, इसका कोई वार बंधन नहीं है या कोई कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, कोई वार बंधन नहीं है, सिर्फ समय बंधन है। सुबह 4 से 6 के बीच ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको यह विधि करनी है। ये विधि ब्रह्म मुहूर्त में होती है तभी कामयाब रहती है, तो ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको इस विधि को करना है। सुबह 4 से 6 बजे के बीच उठिए, स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध तन और मन के साथ पूर्व दिशा की ओर मुख करके कपड़ा बिछाकर बैठिए और अपने सामने ये सामग्री रखिए और पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ आपको ये विधि आरंभ करनी है। तो सुबह 4 से 6 के बीच घुली हुई कुमकुम में, पानी में घिली हुई जो कुमकुम होती है उसमें आपको अपनी जो अनामिका अंगुली है, जिसे शुक्र की अंगुली भी माना गया है, इस अंगुली पे जो छोटी वाली अंगुली के साथ अंगुली होती है इससे शुक्र की अंगुली माना गया है, शुक्र का रत्न जो हीरा है वो इसी अंगुली में धारण किया जाता है, इसे हार्ट फिंगर भी बोलते हैं और ये अनामिका अंगुली भी अपने संस्कृत में से बोला जाता है। तो शुक्र की जो अनामिका अंगुली है, शुक्र ग्रह को प्यार का ग्रह माना जाता है, तंत्र विद्या और ज्योतिष विद्या आपस में जुड़े हुए हैं, तो शुक्र की अनामिका अंगुली ही आपको इसमें इस्तेमाल करनी है और शुक्र की अनामिका अंगुली से आपको जो आपने घुली हुई रोली और कुमकुम आपने लिया है इसे आपको अपनी नाभि पर तिलक करना है और नाभि पर तिलक करके उसे वहीं रहने देना है। इसे अभिमंत्रित करने का तरीका अलग है, इसे आपको नाभि पर टच करे हुए रखना है, जब तक आप मंत्र बोलो तब तक। ये अंतर ध्यान वाली विधि है, बहुत ही पावरफुल विधि है। एक बार आपने इस विधि को अच्छे से कर लिया, जीवन में कभी कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपका प्रेमी आपका गुलाम रहेगा, आपका बन के रहेगा, आपका दास बन के रहेगा। जिस प्रकार से आप प्यार करते हो उससे, उसी प्रकार से वो भी आपसे प्यार करेगा। ये जो शुक्र की अनामिका अंगुली से आपने तिलक लिया है ये आपको अपनी नाभि पर लगाना है और जब तक आप मंत्र बोलो तब तक आपको उसे, इस तिलक को, ये रोली जो आपने घुली हुई ली है इसे अपनी नाभि से टच करके रखना है, हटाना नहीं, अलग नहीं करना है। मंत्र ध्यान से सुनिएगा, मंत्र शरीर में वश में करने का मंत्र है, बहुत ताकतवर मंत्र है। मंत्र संस्कृत में है तो जिन लोगों की संस्कृत कमजोर है पहले अच्छे से मंत्र को रटें, उसके बाद में विधि में इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर मंत्र उच्चारण में गलती होती है तो फिर इसमें आपको वो लाभ नहीं मिल पाता, वरन नुकसान होता है। तो पहले अच्छे से मंत्र को रटें, कोई बड़ा मंत्र नहीं है, अच्छे से इसे याद करें फिर विधि में इस्तेमाल करें। मंत्र है, सामने वाले का नाम शरीरस्य वसम स्वाहा, सामने वाले का नाम शरीरस्य वसम स्वाहा, सामने वाले का नाम शरीरस्य वसम स्वाहा। मान लीजिए कोई लड़की है वशीकरण कर रही है अपने पति का, उसके पति का नाम है रोहन,
तो वो बोलेगी रोहन शरीरस्य वसम स्वाहा, रोहन शरीरस्य वसम स्वाहा, रोहन शरीरस्य वसम स्वाहा। ये मंत्र आपको 51 बार बोलने हैं। इसमें माला नहीं होती है, ये तिलक वशीकरण के अंतर्गत आता है, माला वगैरह का इसमें नहीं होता है प्रावधान। 51 बार आपको यह मंत्र बोलना है, ये तिलक अपनी नाभि से लगाए हुए, उनको अलग नहीं करना है। और मंत्र बोलना है सामने वाले का नाम शरीरस्य वसम स्वाहा, सामने वाले का नाम शरीरस्य वसम स्वाहा। 51 बार मंत्र करके आपको इस रोली को जो आपने इस्तेमाल किया है विधि में, इसे पीपल के पेड़ पर डाल देना है। और उसी दिन जिस दिन आपने सुबह ये काम किया है, उसी दिन आपको वो जो तिलक आपने नाभि पर किया है उसे हटाना नहीं है। स्नान आप पहले ही कर चुके हो, स्नान कर कर ही आपको ये विधि करनी है, ध्यान रखना। वो तिलक आपकी नाभि से हटना नहीं चाहिए। और उसी अवस्था में, तिलक लगी हुई अवस्था में, जब भी आपको समय मिले पूरे दिन में, मान लीजिए आपने ये उपाय सोमवार के ब्रह्म मुहूर्त में किया, सोमवार के सुबह 4 से 6 के बीच में किया, तो सोमवार को ही आपको अपने प्यार के सामने जाना होगा। तिलक लगे हुए ही वो तिलक आपकी नाभि पर रहना चाहिए, और अभिमंत्रित तिलक के साथ आपको अपने प्यार के सामने जाना है। जैसे ही उसकी नजर आप पर पड़ेगी, वैसे वैसे वो आपकी तरफ आकर्षित होता चला जाएगा, क्योंकि आपने उसके नाम से उसके चेहरे को अंतर ध्यान करते हुए 51 बार मंत्र बोला है। सामने वाले का चेहरा भी अंतर ध्यान करना है। 51 बार जब आप मंत्र बोलो तो उसका चेहरा आंखें बंद करके अंतर ध्यान करना, और जिसका चेहरा आप अंतर ध्यान करोगे उसके सम्मुख आपको जाना है उसी दिन। जैसे ही आप उसके सामने जाओगे वो धीरे धीरे आपकी तरफ खिंचा चला आएगा। अगर आपकी बातें सालों से बंद है तो भी वो बात करने के लिए विवश हो जाएगा। बहुत ताकतवर वशीकरण है, इसने लाखों लोगों के जीवन को बदला है, आपका भी जीवन बदलेगा। बस आपको सिर्फ जैसे हमने बताया है वैसे करना है, आपका प्यार आपका गुलाम हो जाएगा। उसी दिन से आप उसके ऊपर असर देखना शुरू कर दोगे, और जीवन में फिर कभी भी आपको किसी तंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो आपका गुलाम हो जाएगा। मित्रों, हम जो भी विधि आपको बताते हैं वो सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार हैं, ताकि इनमें कोई गलती ना हो, इसलिए आपको ये सावधानी बताई जाती है। गलती नहीं होनी चाहिए, इसीलिए आपको ये सब प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। तो जैसे बताया है वैसे करें। पति पत्नी में अनबन चल रही है, झगड़ा चल रहा है, आप ये उपाय करिए, जीवन भर के लिए आपका पति या पत्नी आपके जीवन भर गुलाम रहेगा, जीवन साथी बनकर रहेगा, और आप दोनों के मध्य प्रेम आ जाएगा। थर्ड पर्सन अगर आपके रिश्ते में आ गया है तो थर्ड पर्सन को निकालकर फेंक दीजिए। ये उपाय करिए, आपका प्रेमी जिससे आप प्यार करते हो वो खुद उससे दूरी बना लेगा और आपके प्रति आकर्षित हो जाएगा। प्रेमी शादी के लिए मना कर रहा हो, कई सालों तक आप रिश्ते में रहो, किसी भी कारण से, घर वालों की वजह से या किसी थर्ड पर्सन की वजह से शादी में डिले हो रही हो, शादी के लिए मना हो रहा हो, आप ये उपाय करिए, आपका प्रेमी आपको खुद शादी के लिए प्रपोज करेगा, माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, या आपसे कोई गलती हो गई है, या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं, तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। मित्रों, आपको एक और बात बता दें कि जब किसी व्यक्ति पर पहले से कर्म होता है तो उस व्यक्ति पर किसी भी प्रकार के वशीकरण कर्म का असर नहीं होता, चाहे वो हवन वशीकरण ही क्यों ना हो। अतः अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रेमी पर किसी ने कुछ करवा दिया है या उस पर किसी भी प्रकार का कोई जादू टोना है, तो आप हमें संपर्क करें, आपको बताया जाएगा कि आपके प्रेमी पर किया कराया है या नहीं, साथ ही उसका समाधान भी किया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं। इसी के साथ जय माता दी। मित्रों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योति से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें, आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।